नमस्ते, मैं हूँ नेहा और आपका स्वागत है नेहा किचन में। हमारा कोई त्योहार हो या घर में कोई आने वाला हो या फिर कोई पूजा हो, घर में मीठा हम जरूर बनाते हैं। तो इस बार मैंने ट्राई किया है मूंग दाल का हलवा, क्योंकि राखी आ रही है और मेरे भाई को मूंग दाल का हलवा बहुत ही पसंद है। ये रेसिपी डायरेक्ट मेरी दादी के किचन से है, तो आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करिएगा और आपको ये कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। आपको अच्छा लगा या बुरा भी लगा हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। असली मूंग दाल हलवे की पहचान ये होती है कि ये खाने के वक्त आपके दांतों से ना चिपके। तो चलिए देखते हैं इसके सारे सीक्रेट्स कि ये कैसे बनाया जाता है। इसके लिए आप ले लें 1 कप पीले मूंग की दाल और इसे 3 बार धोकर आप 4 घंटे के लिए भिगा के रख दें। आप इसे छन्नी से अच्छे से छान लीजिए ताकि इसमें से पूरा पानी निकल जाए। ये देखिए, इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी नहीं होना चाहिए। मिक्सर में आप इसे दरदरा पीस लें। इसे एकदम ही बारीक पेस्ट ना बनाएं, नहीं तो हलवे में उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। जितना हमने मूंग दाल लिया था हम उतना ही घी लेंगे। मैंने 1 कटोरी मूंग दाल लिया है तो इसमें मैंने 1 कटोरी घी लिया है। पहले मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच घी डाल दिया है। गैस आप एकदम लो फ्लेम में ही रखें और फिर उसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं कट करके। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो, बादाम, पिस्ता, काजू, आप उसे थोड़ी देर के लिए घी में रोस्ट कर लें। आपको ये करने में मुश्किल से 1 मिनट ही लगेगा। और ये देखिए, ड्राई फ्रूट्स हल्के से तल के रेडी हो गए हैं। आप इसे साइड में रख दें। सेम घी में आप 1 बड़ा चम्मच रवा का डाल दें, जिसे कुछ लोग सूजी भी कहते हैं, और इसे 30 सेकंड के लिए आप घी में अच्छे से रोस्ट कर लें। आप बाकी बचा हुआ घी पर यहीं पर डाल सकते हैं। आप चाहे तो 1.5 कप घी भी ले सकते हैं। अभी आपको ये बहुत ज़्यादा घी लग रहा है, पर जैसे ही हम इसमें मूंग दाल डालेंगे, मूंग दाल पूरा घी पी जाएगा। मूंग दाल के हलवे में घी बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए। और फिर इसमें आप 1 बड़ा चम्मच बेसन का डाल दें और इसे आप कंटिन्यू हिलाते जाइए ताकि इसमें लम्स ना पड़े। बेसन और रवा इसमें इसलिए डाला जाता है ताकि जो मूंग दाल है वो कढ़ाई से चिपके बिल्कुल नहीं, और जो रवा का एक कुरकुरापन है वो हलवे में बहुत ही अच्छा लगता है, और बेसन की खुशबू, इसीलिए आप ये दोनों चीज़ इसमें बिल्कुल भी डालना ना भूलें। और बस 1 मिनट के बाद आप डाल दें पिसा हुआ मूंग दाल। मूंग दाल डालते ही आप देखिएगा, ये जितना इतना सारा घी, अगर आपको लग रहा है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा घी है, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और इसमें मूंग दाल बहुत ही अच्छे से जो है वो पक जाएगा। आप मूंग दाल और घी को अच्छे से मिला लीजिए। गैस आप हमेशा लो में ही रखिएगा, क्योंकि मूंग दाल का हलवा हाई फ्लेम या मीडियम फ्लेम में नहीं बनता है। और चलिए हम इसके साथ बना लेते हैं इसमें डालने के लिए चाशनी। शक्कर की चाशनी बनाने के लिए आप ले लें 1 कप पानी और उसमें डाल दें 1 कप शक्कर और इसे अच्छे से मिला लीजिए और इसे उबाल आने दीजिए। और जैसे ही इसमें उबाल आने लगे उसमें 7 से 8 इलायची का पाउडर डाल दें। अगर आपके पास केसर हो तो इसमें आप इसे जरूर डालें। मूंग दाल को आप लगातार चलाते रहें ताकि ये सब तरफ से अच्छे से पक जाए, और ये आपको तब तक पकाना है जब तक ये घी ना छोड़ने लगे। ये करने में आपको 25 से 30 मिनट लग सकते हैं, क्योंकि मूंग दाल पकने में टाइम लगता है, और ये आपको तब तक पकाना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना दिखने लगे और साइड से इसमें घी ना दिखने लग जाए। और ये देखिए, मूंग दाल अब घी छोड़ने लग गया है, और जब आप इसे बनाएंगे इसकी एक बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। तो ये बिल्कुल सही समय है कि जो चाशनी हमने बनाई थी वो यहाँ डालने में आप बिल्कुल भी देरी ना कीजिएगा और इसे इमिडिएटली इसमें मिला लीजिएगा। मैंने इसको थोड़ा सा कवर किया है ताकि कैमरे में इसके जो स्टीम है वो ना आए, और फिर आप इसे अच्छे से चाशनी के साथ मिला लीजिए। जितना ये चाशनी के साथ पकेगी और उतना ही इसका टेस्ट बढ़ेगा। अगर आपको खाने में बहुत सारी वैरायटी बनानी है और मूंग दाल बनाने का आपको समय नहीं है,
तो आप एक या दो दिन पहले ये जो मूंग दाल को हमने घी में रोस्ट किया था आप वैसा करके रख लें और जिस समय आपको सर्व करना है उससे 10 मिनट पहले ही आप चाशनी बनाकर इसमें डाल दें और इसको चाशनी के साथ पका लें, तो आपका 10 मिनट में मूंग दाल का हलवा रेडी। और ये देखिए रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। पिस्ता इसमें मैंने बाद में डाला है क्योंकि मुझे पिस्ता बाद में मिला। और आप इसे 10 मिनट तक अच्छे से चाशनी के साथ पका लें। और ये देखिए 10 मिनट के बाद हलवे का जो रंग है वो कितना अच्छा आया है। मैंने इसमें एक चम्मच घी और डाला है, साइड से ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो आप जरूर डालिएगा। और याद रखिएगा कि मूंग दाल का हलवा आप हमेशा गर्मा गर्म ही परोसें, क्योंकि गर्मा गर्म मूंग दाल का हलवा खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मूंग दाल के हलवे की ये रेसिपी आपको कैसी लगी ये जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।